सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं वेनम के सिम्बियंट की लीक इमेज के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि पहले ये रूमर आया था कि इस फिल्म में हमें वेनम का सिम्बियंट फिल्म के एंड में दिखाया जाएगा, जहां पर हमारे टॉम हार्डी वेनम के सिम्बियंट को सिर्फ 5 मिनट के लिए ही पहनेंगे, जिससे काफी सारे फैंस नाराज भी हुए थे। और फिर इस फिल्म के एक्टर टॉम हार्डी ने आगे आकर कुछ बातें कही थी उन लोगों के लिए जो इस फिल्म को लेकर हेट फैला रहे हैं। तो उनकी इस बात से तो ये साफ हो गया है कि हमें इस फिल्म में वेनम का सिम्बियंट कुछ ज्यादा ही दिखाया जाएगा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस फिल्म का टाइटल वेनम है और एक तो पहले से इस फिल्म में स्पाइडरमैन नहीं है, और ऐसे में ये रूमर आएगा कि इस फिल्म में वेनम का रोल भी काफी कम है, तो फैंस तो भड़केंगे ही। खैर, वो बात की बात है, अब बात कर लेते हैं उस अपडेट के बारे में जिसके लिए ये पूरी वीडियो बनी है। वेल, रिसेंटली वेनम के सिम्बियंट की इमेज लीक हो गई है और हमें ये पता चल गया है कि इस फिल्म में वेनम कैसा दिखने वाला है। और ये इमेज किसी बी रिस्क एस्टेट सी कंपनी की है, जिसमें हमें वेनम का सिम्बियंट उस बॉटल के पैकेट के ऊपर नजर आता है और वो पैकेट कुछ इस तरीके का दिखता है। साथ ही साथ हमें वहाँ पर फिल्म का लोगो भी नजर आता है और वेनम का ये लुक वेनम के इस पोस्टर से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज कंफर्म है कि वेनम फिल्म में भी ऐसा ही दिखने वाला है, जो मेरे हिसाब से तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि पुराने वाले वेनम के बारे में आपको पता है कि वो कैसा दिखता था और ये वेनम उसके मुकाबले में काफी ज्यादा अच्छा है। खैर, जो भी हो, हमें फाइनली वेनम का लुक तो देखने मिला कि असल में वेनम फिल्म में कैसा दिखने वाला है। वेल, तो आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।